गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। जैसा कि हमने कल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 बताया था, आज हम एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाएंगे। पहली प्रॉब्लम है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इनके रूट्स मालूम करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। पहली प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देखें, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट आपका होगा माइनस 10x स्क्वायर, और सम आप मिडिल टर्म जो है वो आपका सम होगा, तो सम आपका माइनस 3x। अब 10 का हम फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर 2 5 जा 5 1 जा 5 और 2 माइनस 5x प्लस 2x। माइनस 5x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 3x लाने के लिए माइनस 5x प्लस 2x, माइनस 5x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 3x, माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 3x। तो प्रोडक्ट और सम मिल गया, स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसको दो इसमें लिख दिया, माइनस 5x प्लस 2x के फॉर्म में लिख दिया। ये दो पार्ट, पहले में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, दूसरे में प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, फिर x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पार्ट पे x, सेकंड पार्ट पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो आपके दो रूट्स आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो 5 और माइनस 2 आए। सेकंड पे आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12x स्क्वायर, मिडिल टर्म आपका सम होगा प्लस 1x। 12 का हम फैक्टर करेंगे 4 और 3 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू सम करने पे प्लस x, यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 2x, सेकंड टर्म में माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2। 2 जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस 2, 3 बाई 2। थर्ड पे आ जाएंगे रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, और मिडिल टर्म आपका सम होगा प्लस 7x प्लस 5x प्लस 2x। 10 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 2 होगा, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 5x प्लस 2x ऐड करने पे प्लस 7x। स्प्लिट द मिडिल टर्म, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो एक्स कॉमन रूट 2x प्लस 5 प्लस रूट 2 कॉमन रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रूट 2x प्लस 5 एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। दो जीरो आए, माइनस 5 रूट 2, x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। फोर्थ पे हम फोर्थ पे आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, सम आपका प्लस 1x प्लस 4x माइनस 3x, दो फैक्टर होंगे इसके प्लस 4 और माइनस 3, प्लस 4x माइनस 3x का मल्टीप्लाई माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x का सम प्लस 1x। स्प्लिट द मिडिल टर्म 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3 बाई 2, 2 जीरोस माइनस 2, 3 बाई 2। फोर्थ पे हम आ जाएंगे, फिफ्थ पे हम आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू 0। 8 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट बनेगा 6 प्लस 16x स्क्वायर, सम बनेगा माइनस 8x, माइनस 4x माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस 16x स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 4x ऐड करने पे माइनस 8x।
स्प्लिट द मिडिल टर्म, 16x² - 8x + 1 = 0, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0, 4x कामन तो 4x - 1 - 1 कामन तो 4x - 1 = 0, 4x - 1 कामन तो 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, 2 zeros 1/4, 1/4, 6 पे आ जाएंगे 100x² - 20x + 1 = 0, तो ये आपका होगा प्रोडक्ट आपका होगा प्लस 100x² सम होगा -10x - 20x, सम आपका होगा -20x, तो -10x - 10x मल्टीप्लाई करने में प्लस 100x² - 10x - 10x -10x - 10x, तो आपका सम जो होगा -20x होगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0, 100x कामन तो 10x - 1 - 1 कामन तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 कामन तो 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, 10 and 1/10।